द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी, द परपेट्रेटर ऑफ हार्श नाजी प्रैक्टिसेस, सेडिस्टिक क्रूअल एंड इविल। जर्मनी का तानाशाह, जो कठोर नाजी प्रथाओं का अपराधी, दूसरों को पीड़ा देने वाला, निर्दयी था और भी अन्य कई बुराइयों के लिए जाना जाता था। बट लाइक एवरीथिंग हिटलर ऑल्सो हैड पॉजिटिव साइड। लेकिन हर चीज की तरह हिटलर का भी एक सकारात्मक पक्ष था। एडोल्फ हिटलर स्ट्रेंथन द इकोनॉमी एंड पुट एन एंड टू अनएम्प्लॉयमेंट। एडोल्फ हिटलर ने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और बेरोजगारी को समाप्त कर दिया। हिटलर रिकॉग्नाइज्ड दैट फैमिलीज आर द प्राइमरी यूनिट ऑफ द सोसाइटीज स्ट्रक्चर एंड ही एम्फसाइज्ड द प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन फैमिलीज। उन्होंने परिवार समाज की संरचना को प्राथमिक दी, परिवारों के भीतर मजबूत बंधन बनाए रखने के बात की। हिटलर वॉज नोन एंड एडमायर्ड फॉर द हाई रिगार्ड ही होल्ड फॉर मदर्स एंड इंस्पायर्ड फैमिलीज इन प्रिंसिपल अंडर हिज लीडरशिप। हिटलर माताओं और प्रेरित परिवारों के लिए सम्मान करने के लिए जाना जाता था और उनकी प्रशंसा करता था। हिटलर वॉज अ लवर ऑफ एनिमल्स एंड इट शोड इन द नाजी रिजाइन। हिटलर जानवरों का प्रेमी था और यह नाजी शासन में दिखा। अंडर विच मिसहैंडलिंग एन एनिमल वॉज कंसिडर्ड हेनस क्राइम। जिसके तहत किसी जानवर को गलत तरीके से संभालना एक जघन्य अपराध माना जाता था। तो आज हमने एक मनोरंजक जानकारी के साथ यह अंग्रेजी के शब्द सीखें। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत, मिसहैंडलिंग मतलब छेड़छाड़, हेनस क्राइम मतलब जघन्य अपराध, एम्फसाइज्ड मतलब महत्व देना, एडमायर्ड मतलब प्रशंसा करना। इसी तरह रोचक तथ्यों की जानकारी के साथ अपनी अंग्रेजी को बेहतर बनाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें www.11minutesdaily.com।